शहर दीज पीपल यार छोड़। हो क्या गया इस प्रिया को, प्रेजेंटेशन था और ऐसे ही उठ के आ गई। छोड़ ना, बॉस भी खूब डांटे होंगे। क्लाइंट भी नाराज लग रहे थे। कुछ भी कहो यार मीता, ये एटीट्यूड ना है तो गलत। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। वो ऐसा है ना कि अपने बॉस से सीधे साधे तो उनके सीधेपन का वो गलत फायदा उठाती है, और अपने बॉस है कि कुछ कहते ही नहीं है। यू नो, वैसे भी उसे पड़ी का है इस जॉब की, इतना पैसा है उसके डैडी के पास, बस टाइम पास कर रही है। कुछ भी हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। हाँ, यू नो, बाल देखे थे उसके सर के, कैसे बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने सिर के बाल नोच लिए हो। एक्चुअली यू नो, प्रिया 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 क्या हुआ? ये तो मर गई। अशोक जी मैडम, आगे जो ढाबा दिख रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रहा है मैडम। अशोक, पहले पूरी बात तो सुन ले फिर बोलना। मुझे लगा मैडम आपकी बात खत्म हो गई। चुप कर, बीच में बोल पड़ा। मुझे मालूम है कि तुझे दिखता है, फिर मैं ये सवाल क्यों करूँगी? ठीक है मैडम, आगे बढ़िए, बताइए आगे। आगे नहीं बढ़ना है, गाड़ी ढाबे पे लगाना, कुछ खाएंगे पियेंगे। हाँ रुक रुक, आ गया ढाबा जी। आइए सर, उतरिए। हम क्यों उतरे, तू जा। अरे अभी तो मैम साहब ने कहा खाना खाना है, चलिए अंदर। तू जा और कुछ खाने के लिए लेके आ। साहब अंदर ढाबे में बैठकर आराम से खाइए ना, आइए ना। वहाँ जाने का मन नहीं हो रहा है, तू जा, हम लोग गाड़ी में खाते खाते निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या लेकर आऊँ साहब? जो हमें अच्छा लगे। मैडम हमको क्या पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा? साहब आप ही बताइए ना क्या लेकर आए हम। तुझे बोला ना, जो अच्छा लगे वो ले क्या, थप्पड़ खाएगा, जा जल्दी। लाते हैं, अपनी मर्जी से ही लाते हैं। कह दिया कि अपनी मर्जी से लेकर आओ, अब अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर आएंगे तो कहेंगे ये काहे लेकर आया, वो काहे लेकर आया। सर कोई घाव या चोट का निशान नहीं। हाँ, ना मुंह से कोई झाग निकला है, ना शरीर पर कोई नीले रंग के निशान है, ना कोई पंक्चर मार्क्स सुई के या और कुछ। ये जहर का मामला तो नहीं है। सर अंदर से भी ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिससे इसकी मौत के बारे में कुछ पता चल सके। सर ये बैग मिला है जिसमें मेकअप का सामान पड़ा हुआ था। मेकअप का सामान?
लीजिए मैडम खाना। साहब जी खाना ले आए हम। मैडम लगता है दोनों सो गए, हमको खाना लाने भेजे। और हमको समझ में नहीं आता है हमारे साहब और मालकिन का, हमको बोले खाना लाओ और जरूर दवाई खाकर सो गए होंगे। 50 बार समझाया है भैया खाना खाने के बाद दवाई खाओ, पर नहीं भूल जाते हैं। लगता है कि कुंभकर्ण जो बूटी खाता था वही इनकी दवाई में मिला दी है डॉक्टर ने। चलो चलते हैं घर लेके, कहे ना कि रस्ते में चगेंगे तो खिला देंगे, नहीं तो हम तो हैं ही। चल हमरी राम प्यारी। ये बैग किसका है? सर ये प्रिया का है। प्रिया का बैग है। वैसे मीता और शीना, वैसे प्रिया आप दोनों के सामने बाहर आई फिर वहीं पर गिरी और अपना दम तोड़ दिया है ना, तुम दोनों ही थी ना? लेकिन सर हमें नहीं मालूम कि वो कैसे मर गई। वो तो हम पता लगा लेंगे, तुम घबराओ मत। वैसे प्रिया ऑफिस कब आई थी? सर ये सब होने से कोई 25 मिनट पहले। वो ऑलरेडी लेट थी सर प्रेजेंटेशन के लिए, हम लोग उसका इंतजार कर रहे थे, क्लाइंट्स भी नाराज थे। वो आई, उसने सबको सॉरी बोला और प्रेजेंटेशन शुरू किया, पर वो थोड़ा लॉस्ट लग रही थी सर, नर्वस भी लग रही थी, क्लाइंट्स भी इंप्रेस नहीं थे, तो मैं उसे बाहर लेकर गया और समझाया कि उसे रेस्ट की जरूरत है। शी वॉज लुकिंग लॉस्ट, देन आई टोल्ड हर गो टू द वॉशरूम एंड गेट फ्रेशन अप, लुक प्रेजेंटेबल। और फिर 15-20 मिनट के बाद में मीता और शीना के चीखने की आवाज आई, हम भागकर वहां पहुंचे तो प्रिया मरी पड़ी थी। निखिल सर काम करो, प्रिया की बॉडी, प्रिया की बैग, उसके अंदर जो भी सामान है कॉस्मेटिक्स वगैरह और फिर खाने पीने की चीजें सब का सब फोरेंसिक लैब भेज दो। सर वैसे प्रिया का पर्सनल नंबर या फिर उसके घर का नंबर, उसके घर वालों का नंबर तो होंगे ना शायद आपके पास? और यस सर मेरे पास उसके मम्मी और पापा दोनों का नंबर है। अरे साहब फोन बज रहा है आपका, उठाते क्यों नहीं है? अरे अब मैडम आपका फोन बज रहा है, आप भी नहीं उठा रही हैं। अरे मैडम जी अब आपका भी फोन बज रहा है, दोनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं। फिर से फोन बजने लगा भाई। अरे साहब मैम साहब फोन काहे नहीं उठा रहे हैं आप लोग? अरे फोन बज रहा है आपका, लगता है हमको ही रोकना पड़ेगा। कौन? मिस्टर कुमार? नहीं हम अशोक बोल रहे हैं, बोलिए। अशोक तुम कौन हो? साहब के सारथी बोल रहे हैं, बोलिए। सारथी? अरे वाहन चालक बोल रहे हैं उनके, बताइए। हो उनके ड्राइवर बोल रहे हो तुम? ड्राइवर नहीं है हम, शॉफर है उनके, बात करते हैं। आपको आपको ड्राइवर लगते हैं हम? देखिए आप जो कोई भी हैं, मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहाँ पे? दोनों हमारी गाड़ी में हैं, सो रहे हैं, हम दोनों को सैर करा रहे हैं। पर आप कौन है, आप पहचान वाले नहीं लगते। देखिए मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। सीआईडी? क्या हुआ साहब? आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार को प्रिया के ऑफिस में लेके आइए प्लीज। वो तो ठीक है साहब, लेकिन हुआ क्या, सब ठीक तो है ना? प्लीज आप आ जाइए फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ साहब हम तुरंत आते हैं। Thank you.
नमस्कार सर। सीआईडी टीम आप ही हैं? मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहाँ हैं? गाड़ी में है ना सब, सो रहे हैं। बुलाइए। क्या सो रहे हैं? सो रहे हैं अभी? हाँ सर। अभी सर यहाँ कुछ खास हो रहा है क्या? मतलब आपने बुलाया है इसलिए? जी हाँ, खास बात है। कुमार जी की बेटी प्रिया की मौत हो गई है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? जी हाँ। मिस्टर कुमार, मिसेस कुमार, मिसेस कुमार, कुमार साहब, मिस्टर को, मिस्टर कुमार, माय गॉड, सर, सर ये भी, सचिन कब से नौकरी कर रहे हो तुम मार्जी के पास? साहब पिछले 3 सालों से हूँ साहब के पास। 3 साल? जी सर। चेक करो, देखो मौत की वजह पता चलती है क्या है। साहब, हाँ, मिस्टर कुमार और मिसेस कुमार ये दोनों तो मर चुके हैं। क्या? नहीं सर। आप पूर्वी, एक घंटे से ज्यादा तुम इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर घूम रहे हो और तुम्हें पता तक नहीं? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब पूना से हम लोग निकले थे तब साहब और मेम साहब एकदम ठीक थे, बल्कि रास्ते में मेम साहब ने मुझे कहा कि ढाबे पर गाड़ी रोक लो, खाने के लिए कुछ लाना है। गाड़ी ढाबे पे लगाना, कुछ खाएंगे पिएंगे। जी साहब, एक दो बार पहले भी ऐसा हुआ है, साहब और मेम साहब दवाई लेकर सो जाते थे और काफी देर तक सोते थे तो मुझे लगा कि शायद गाड़ी में सो रहे होंगे। सर, दोनों के शरीर में अभी घाव या चोट का निशान नहीं है। कोई भी निशान नहीं? तो कहीं जहर तो नहीं दिया इनको? जहर के कोई सिम्टम्स या कोई निशान है? नहीं सर, बस सर कार में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इनकी मौत के बारे में कुछ पता लग सके। अच्छा, और भी कुछ मिला क्या? हाँ सर, गाड़ी में खाना है, हो सकता है उससे कुछ हुआ। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्या है ना कि साहब और मेम साहब ने खाने को चखा भी नहीं था, खाया ही नहीं साहब। सर, प्रिया भी कुछ इसी तरीके से मरी है। इन तीनों की मौत के पीछे वजह क्या हो सकती है? एक बात बताओ, कुमार जी के परिवार में और कौन कौन है? सर, प्रिया मैडम और उसके बाद बड़ी बेटी थी रीमा मैडम और छोटी अन्नू। अच्छा, तो ये दोनों बेटियां अब कहां होंगी? साहब, अब रीमा जी तो अपने पति धीरज के साथ अंधेरी में रहती है, अन्नू मैडम अपने माता पिता के साथ मलाड वाले फ्लैट में। नंबर है इनके आपके पास? हाँ है ना सर। सचिन, ये सब अन्नू मैडम का नंबर है सर। रीमा जी का भी नंबर का? ये रहा साहब। हेलो रीमा जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। आप सीआईडी ब्यूरो आ सकती हैं? वो हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा अर्जेंट है, आप प्लीज़ जल्दी आइए। या ओके ओके। सर रीमा को बोल दिया है सीआईडी ब्यूरो आने के लिए। और सर अनु तो फोन ही नहीं उठा रही। हो सकता है साहब कॉलेज गई होंगी। कौन से कॉलेज में? कॉलेज भी नहीं गया अनु, और फोन भी लगातार बच रहा है। हाँ, आखिरी बार ट्रेस हुआ यहाँ इसी घर पर। अनु, अनु ठीक तो होगी ना? आप लोग कौन? जी मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, प्रीमा।
और ये मेरे पति है धीरज। अंदर से बंद है सर। निकल पीछे की तरफ जा, देखो वहां पर है क्या। एक्सक्यूज मी, चाबी है आपके पास? जी नहीं। जी नहीं। खोल देते सर। धीरज अनु ठीक तो होगी ना? घबराओ मत, सब ठीक होगा। घबराओ मत, सब ठीक होगा। अनु, 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 अभिजीत सर जरा जाके देखो। अनु, अनु, होकर देखो। सचिन, अनु यहाँ पे नहीं है सर। नहीं, सब ठीक होगा सर। ये क्या हो रहा है? पहले मेरे माँ बाप चले गए, फिर प्रिया और अब अनु। अनु का कुछ पता नहीं चल रहा। सब पता चल जाएगा। हाँ नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिली। सर, अनु यहाँ है। माय गॉड, सर अनु उधर ऊपर है। चलो सर, अनु जिंदा है, बेहोश है। इसको हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा जल्दी। सचिन, हाँ अभी जी, सर बेहोश है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जल्दी। चलो क्या, ये तो बता बॉस, इन तीनों की मौत जहर की वजह से हुई है। जहर से? दरअसल उनके मान लिया कि इनकी मौत जहर से हुई है, पर कहीं पर भी इनके शरीर पर जहर अंदर जाने का निशान नहीं है, ना कोई रंग बदला इनके शरीर का, और तू कह रहा है जहर से मौत हुई। यही तो बात है, यही बात है जो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि इन तीनों की मौत जहर की वजह से हुई है, लेकिन इनका शरीर नीला क्यों नहीं पड़ा? और ये जहर गया कैसे इनके शरीर में? कमाल कर रहा है सांके, एक तरफ तो कह रहा है कि तीनों की मौत जहर से हुई है, और फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि तुझे पता नहीं ये जहर इनके शरीर में गया कैसे, कब गया। यार ये कैसे चलेगा? बस ये गुत्थी है जो अभी सुलझ नहीं पा रही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर इनकी मौत जहर से हुई है तो कैसे हुई है। जहर इनके शरीर में इंजेक्ट भी नहीं किया गया है, कोई एविडेंस नहीं। खाने पीने की चीज की वजह से भी इनके शरीर में जहर नहीं गया है, किसी और तरीके से भी नहीं गया है, कोई मेकअप या कॉस्मेटिक की वजह से। ये जहर इनके शरीर में गया कैसे? सालों के साहब मुझसे पूछ रहे? पागल हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं। सर सर मैंने उस कार को भी चेक किया जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस कुमार की लाश मिली, वहाँ पर भी कोई जहर या जहरीली गैस के ट्रेसेस नहीं मिले। सड़के मिस्टर एंड मिसेस कुमार की मौत पुणे से मुंबई आते वक्त गाड़ी में हुई, और प्रिया की मौत उसकी अंधेरी वाली ऑफिस के वॉशरूम में हुई, मीलो दूर मगर एक ही वक्त पर और एक जैसे ही जहर से। कैसे? बता ना। अच्छा चल, ये तो बता सकता है कि कौन सा जहर था।
बस वो कुछ टेस्ट अभी करना बाकी है, उसके बाद पता चलेगा कि वो जहर कौन सा था और जहर कैसे गया इनके शरीर में। सर, हाँ। सर, अनु को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, पर डॉक्टर्स का कहना है कि आने वाले 24 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। सर, तो डॉक्टर ने बताया नहीं किस वजह से बेहोश हो गई? सर, जहर का असर हुआ उसे। क्या? जहर से? हाँ सर। और सर, अजीब बात तो यह है कि उसके शरीर में यह जहर ना ही किसी इंजेक्शन से गया है और ना ही किसी खाने की चीज से। मिस्टर एंड मिसेस कुमार और प्रिया तीनों की मौत जहर से हुई और अब अनु को भी जहर दिया गया था, है ना? बड़ी अजीब बात। ऐसे लगता है जरूर कोई ना कोई तो है जो इस पूरी कुमार फैमिली को खत्म करना चाहता है। सर, पूरी कुमार फैमिली ने, बड़ी बहन रीमा को तो कुछ भी नहीं हुआ। बस रीमा के खून का टेस्ट किया है मैंने, उसके शरीर में जहर नहीं। मगर सर, पूरी फैमिली को कोई क्यों मारना चाहेगा? किसी ना किसी को तो फायदा है कुमार फैमिली को खत्म करके, पर कौन कौन है वो और फिर क्यों? कहीं ये प्रॉपर्टी का चक्कर तो नहीं? धीरज जी, तीन लोगों की जाने ली गई है, एक अनु जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। मगर तुम दोनों, तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये कैसे हु? हम ठीक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं। तो फिर और कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा? कोई भी हो सकता है, इतना बड़ा बिजनेस है, होगा कोई जिसकी आंखों में ये धन दौलत चुभ रही होगी। वही तो हम जानना चाहते हैं, खूनी कौन है? मुझे नहीं पता कि उनका खूनी कौन है, लेकिन उनकी मौत का इल्जाम आप हम पर मत लगाइए। आप क्या चाहती हैं? सीआईडी ये मान ले कि आप दोनों बेकसूर हैं? मत मानिए हमें बेकसूर, लेकिन मेरे माँ बाप और बहन थे वो, हम अपने परिवार वालों को खत्म नहीं कर सकते। मैडम, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई अपने परिवार वाले को मार नहीं सकता। मेरे पास आपके टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब नहीं है। अगर आपको लगता है कि उनका खून हुआ है, तो पता लगाइए कि उनका खूनी कौन है। सर, मुझे लगता है कि ये सारे खून धीरज साहब कर रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आप वो क्या है ना साहब, के धीरज साहब आए दिन आकर साहब के पास पैसे मांगने आते थे। साहब और मीम साहब इस बात से नाराज रहते थे। साहब जी, ये धीरज काम वाम नहीं करता था क्या? क्या काम करेंगे साहब, वो कहते हैं ना कि जब ससुर दौलत का समंदर हो तो इस तरीके के दामाद बाज कैसे आने वाले हैं। अच्छा, ये धीरज इतने सारे पैसों का करता क्या था? अरे बोलो ना भाई, क्या करता था? साहब वो जुए और शराब की लत, वो कहते हैं ना साहब कि एक बार ये लत लग जाए तो अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ साहब, 2-4 लाख रुपया नहीं, 10-20 लाख भी होता तो सब हवा हो जाता। मैंने बड़े बड़े महलों को शराब के प्यालों में बहते हुए देखा है साहब। हमारे धीरज साहब भी कुछ उसी तरीके के आदमी हैं साहब। हाँ, वही हुआ होगा ना सर, मिस्टर कुमार से उसने पैसे मांगे होंगे, मिस्टर कुमार ने मना कर दिया होगा, तो गुस्से में आके इसने उनका खून कर दिया। वही हो सकता है साहब, लेकिन हमारे साहब भी क्या करते, किस किस को पैसा बांटते साहब, और पैसों के लिए तो रोजाना झगड़े होते थे घर में। अभी 3-4 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था धीरज साहब का और वरुण साहब का, वो प्रिया दीदी के पति का। प्रिया का पति भी है? है नहीं साहब, थे। वो 3 महीना पहले कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई ना साहब। कार एक्सीडेंट में? अच्छा, ये बताओ कि ये झगड़े के कितने दिन बाद वरुण का एक्सीडेंट हुआ था? 1 हफ्ते के बाद सर। सर, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? पंकज, ये सारा का सारा चक्कर प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। धीरज को सारी की सारी प्रॉपर्टी खुद ही चाहिए थी। प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिलेगी सर, बताओ? चल बता देता हूं,
अगर पूरा का पूरा कुमार खानदान मिट गया तो सारी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? तुम्हारी पत्नी रीमा को। अगर रीमा को कुछ हो गया तो फिर प्रॉपर्टी किसके नाम पर हो जाएगी? धीरज जी, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। क्यों बोलती बंद? क्या बोलूं सर, आप लोगों को कोई मिल नहीं रहा, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा किसे फंसाएं, तो आप लोग मुझे पकड़ रहे हैं सर। कुमार साहब की सारी जायदाद उनके बच्चों के नाम पर है, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो ये सारी जायदाद एक ट्रस्ट को चली जाएगी। तो मतलब अगर बच्चियों को, मेरा मतलब है लड़कियों को कुछ हो गया तो उनके पतियों को कुछ नहीं मिलेगा? जी नहीं। मगर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये सारी जायदाद तो उन्होंने बेच दी है। क्या कुमार साहब ने प्रॉपर्टी बेच दी? किसे? अलग अलग लोगों को। ये है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। गोवा की प्रॉपर्टी, पूना की प्रॉपर्टी, महाबलेश्वर वाली प्रॉपर्टी, और हाँ सारे पेपर्स पे उनके साइन है। साइन? ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे आज ही अभी मिले हैं कुरियर से। क्या ये सारी प्रॉपर्टीज के पेपर आज ही मिले आपको? हाँ। और ये जो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसे मिले वो कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, कुमार साहब ने ये सब अचानक भेज दिया। ये जानकर मैं उनको फोन करने वाला था मगर पता चला कि उनकी मौत हो गई। फिर? हाँ, तो मैंने सारे खरीददारों को फोन किया था तो उन्होंने बताया कि ये सारी डीलिंग एक ही एजेंट के जरिए हुई है। बायर्स की कुमार साहब से मुलाकात तक नहीं हुई। सारी प्रॉपर्टी की डील एक एजेंट ने की है? जैसे कि बायर्स ने उसका खुलिया बताया था उसके मुताबिक तो एक ही एजेंट हो सकता है। गाड़ी, बड़ा चश्मा, और हाँ गोल्ड कैप भी थी। क्या आप ऐसे किसी एजेंट को जानते हैं जिसने कुमार जी के लिए पहले भी कुछ काम किया हो? नहीं। पापा हमें बिना बताए ऐसा कर ही नहीं सकते, ये पक्का किसी की चाल है प्रॉपर्टी हड़पने की। सर रीना बिल्कुल सही कह रही है, मुझे लगता है कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है। पापा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और करते भी तो हमें पता होता कि पैसे कहाँ हैं। सर मुझे लगता है ये सिग्नेचर नकली है, किसी ने पापा के सिग्नेचर कॉपी करे हैं। जी नहीं, सिग्नेचर्स मैंने चेक किए और नहीं है, कुमार साहब के ही है। अंकल आप पापा को जानते हैं, पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो हमें बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं सकते। ये पक्का किसी की चाल है, कोई फ्रॉजरी, कोई फ्रॉड है। कोई तो है जो इन सब चीजों पे नजर रख रहा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आज ही प्रॉपर्टी के पेपर आए और आज ही कुमार साहब की मौत हो गई। हाँ, ताकि कुमार साहब किसी को सच्चाई बता ना सके। सर लेकिन ये कर कौन सकता है? है तो कोई ये परिवार वाला ही, वरना बाहर वाले को कुमार साहब से साइन लेना और उनको बिना शक हुए आसान नहीं है। मां बोल सर रुके। क्या पेंट से? हाँ बॉस, पेंट की वजह से इन तीनों की मौत हुई। यार सांगे तो क्या बात कर रहा है, क्या पेंट पी लिया उन्होंने? पेंट नहीं पिया है बॉस, पेंट में जहर मिला हुआ था और वो जहर इनके फेफड़ों में पहुंचा, इसकी वजह से इनकी मौत हुई। ये देख सांगे हवा में बात मत कर, जल्दी बता दे असली बात क्या है। देखो तुम जानते हो मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कहता हूँ बॉस, इनके फेफड़ों में जहर के साथ साथ मुझे कुछ केमिकल के ट्रेसेस मिले और वो केमिकल सिर्फ पेंट में इस्तेमाल होता है। और सर वो भी धीरे धीरे,
शायद 20-25 दिनों में ये जहर उनके शरीर में गया होगा, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो लोग धीरे धीरे जहर इनहेल कर रहे हैं। और बस धीरे धीरे एक एक पल ये लोग मौत के करीब जा रहे थे, और संयोग की बात है कि आज उस स्लो पॉइजन की वजह से इनकी मौत हो गई। पेंट में जहर पूरी कुमार फैमिली का घर। सर, लगभग एक महीना पहले घर के तीनों बेडरूम की पेंटिंग हुई थी। किस किस का बेडरूम था वो? मम्मी पापा अन्नू और प्रिया के बेडरूम में। बस मुझे तीनों बेडरूम्स का पेंट चेक करना पड़ेगा। कर लो। पूरे देखे आमिर। ये पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था? सर, विपुल नाम का कॉन्ट्रैक्टर है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पेंटिंग का। निखिल पूर्वी, तुम इन दोनों रूम्स में जाओ और दोनों रूम्स के पेंट को स्क्रैच करके लेकर के आओ। सर मिलो। और सुनो, ये मास्क जरूर पहन लेना, ठीक है? सर एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं है, पेंट में जहर की वजह से तीनों की मौत हुई थी, लेकिन जो इस घर में काम कर रहे हैं उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? सिंपल बात है ना धीरज, जो लोग इस घर में काम करते हैं वो बेडरूम में ज्यादा वक्त नहीं गुजारते। बेडरूम में तो घर के लोग रहते हैं ना ज्यादा देर तक, रात में दिन में भी कभी कभी आदमी सो जाता है, तो असर उन्हीं पे ज्यादा होगा। किसकी तस्वीर है? सही है, मेरे जीजू हैं। इनका नाम वरुण है, प्रिया के पति। बॉस, कंफर्म हो गया, तीनों बेडरूम के पेंट में जहर है। पेंट में जहर कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है और क्यों? पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर विपुल, उठा उसे। सर, मैं पेंट में जहर क्यों डालूंगा? मेरी क्या दुश्मनी होगी कुमार फैमिली से? जिसकी दुश्मनी थी कुमार फैमिली से उसने कहा होगा। हाँ सर, और उसके बदले में मोटी रकम ली होगी इसने। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, खूनी नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस पेंट में जहर था या नहीं। ए, नाटक मत कर, ये नाटक हम लोग रोज देखते हैं। सर अगर मुझे पता होता कि पेंट में जहर है तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कभी लेता ही नहीं, और मैं अपनी और अपने लोगों की जान खतरे में क्यों डालूंगा? तो क्या पेंट में जहर फैक्ट्री में से भर के आया है? मुझे नहीं पता सर, और वो पेंट मैंने खरीदा भी नहीं था। तो किसने खरीदा था? प्रिया जी के पति वरुण साहब ने वो पेंट पहले से खरीद रखा था। ओ। और उन्हीं ने मुझे वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और अचानक उनकी मौत हो गई तो ये काम भी बीच में बंद हो गया। फिर एक महीने पहले मुझे कुमार साहब के ड्राइवर का फोन आया दोबारा काम शुरू करने के लिए, और मैंने दूसरे ही दिन काम शुरू कर दिया। जब दोबारा काम शुरू किया तब पेंट कौन लाया था? वो पहले वाला पेंट जो बंगलों में स्टोर रूम में था वही हमने यूज किया। सर स्टोर रूम में कोई भी आसानी से घुस सकता है, और इन तीन महीनों में कोई भी कभी भी जहर मिला सकता है। जाओ, तुम जा सकते हो। जी सर। सर। हाँ सचिन। सर उस एक्सीडेंट में वरुण पूरी तरह से जल गया था। अच्छा, तो फिर आइडेंटिफाई कैसे किया, पहचान कैसे की उसकी? उसकी डेंटल रिकॉर्ड से सर, डेंटल रिकॉर्ड से पता चला कि वो लाश वरुण की है। तो क्या एक्सीडेंट था या
खून। सर पुलिस का ऐसा मानना है कि वो खून नहीं था बल्कि एक्सीडेंट था, और उनका तो ये भी कहना है कि कुमार फैमिली में आपस में काफी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बावजूद उनको अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला सर। और कुछ? सर हाँ, ये वरुण की एक दोस्त दिशा, उसके साथ अक्सर वो फोन पे बातें किया करता था घंटों घंटों, और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उससे पहले भी वो दिशा से फोन पे बात कर रहा था गाड़ी चलाते हुए, यही आई विटनेस का भी कहना है। इसीलिए वो सामने से आती हुई गाड़ी को देख नहीं पाया और गाड़ी खाई में गिर गई। दिशा तो लोकल पुलिस ने दिशा से बातचीत भी की होगी, पूछताछ की होगी, कुछ बताया तुम्हें? हाँ सर, उन्होंने बात की। उनका कहना है कि फोन करते वक्त जिस समय फोन पे बात हो रही थी उस वक्त ये दिशा घर पे ही थी, और साथ ही साथ जब ये एक्सीडेंट की खबर मिली तो सुन के उसे बहुत धक्का लगा। एक शादीशुदा आदमी पराई लड़की से दो दो घंटे तक बात करता था, पता नहीं उसकी पत्नी प्रिया को यह बात मालूम थी या नहीं। दिशा, दिशा। सर 3 महीने पुराने केस की आप अभी तक तहकीकात कर रहे हैं? मैं ऑलरेडी पुलिस को वो सब कुछ बता चुकी हूँ जो भी मुझे पता था, अब कैसी पूछताछ? देखिए दिशा जी, हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि कुमार की फैमिली के सदस्यों को कोई एक एक करके मार रहा है, इसलिए वरुण की मौत में भी हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। शायद उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मतलब वरुण की मौत एक हादसा नहीं थी? अब इस बात की तो जांच चल रही है, आप हमें वरुण के बारे में और क्या बता सकती हैं? देखिए मैं बस इतना बता सकती हूँ कि उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी, और वो उसे डिवोर्स भी देना चाहता था, पर वो इसके सख्त खिलाफ थी। ये बात आपको वरुण ने बताई? क्यों? ये काफी देर रात तक, दो दो तीन तीन घंटे आप दोनों बैठ के बात करते थे, तो कुछ तो खास बात होगी। एक्चुअली सर, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। अच्छा अच्छा, तो शायद इसीलिए वरुण की पत्नी प्रिया उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। शायद। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये प्रिया वरुण को जान से मार सकती? पता नहीं सर। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि वरुण अभी भी जिंदा हो और कहीं छुप के बैठा? क्या बात कर रहे हैं सर, पुलिस ने खुद उस लाश के डेंटल रिकॉर्ड्स को वरुण के डेंटल रिकॉर्ड से मैच करके ही तो उसकी शिनाख्त की है। आपको उनके काम पर भरोसा नहीं? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, हम इस केस के हर पहलू को देखते हैं, और आप वरुण की इतनी करीबी हैं, बहुत कुछ जानती है उसके बारे में, इसीलिए आपसे पूछा। सर एक तो आप लोग मुंह में उंगली डालकर बात निकलवाते हैं, और जब बता दो तो आप बताने वाले पर ही शक करने लगते हैं। क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, हम लोग शक से शुरू करते हैं और फिर सबूत तक पहुंच जाते हैं। सर इन्होंने तो कहा था कि इस घर में ये अकेली रहती है, पर अंदर बेडरूम की अलमारी से ये किसी आदमी के कपड़े मिले, बहुत सलीके से रखे हुए थे। दिशा जी, कुछ बताएंगे आप इन कपड़ों के बारे में? वरुण के हैं। वरुण? वरुण के कपड़े अभी भी आपकी अलमारी में? मतलब ये तब के हैं जब वो जिंदा था, और कभी कभी प्रिया से छुप के मेरे घर रुकने आया करता था, मैं कभी इन्हें फेंक ही नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं हुई। इन्हें देख के मुझे उसकी याद आती है, और उसे याद करना मुझे अच्छा लगता है। माफ कीजिए दिशा जी, हमने आपका दिल दुखाया, पर हम बस अपना काम कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ, कुछ पूछना रह गया? एक मिनट। अरे आप लोग फिर से यहाँ पे, एक मिनट, क्या हुआ? आप प्लीज, यहाँ पे डेंचर था।
मैंने दांतों का सेट देखा था इस पानी में, अभी गायब है। दांतों का सेट यहाँ पे? इसका मतलब है वही है सर। खिड़की खुली, लगता है वहां से भाग गया। पकड़ो अभिजीत, एक मिनट। ये देखो, नकली दांतों ने फंसा दिया। अब तुझे इसे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका नाम वरुण है, प्रिया के पति। हाँ सर, मेरी बार है। मैंने अपने सास ससुर और प्रिया को मारा, पेट में जहर मिलाकर। अनु बच गई क्योंकि सही समय पे आप उसे हॉस्पिटल ले गए। क्यों मारा तुमने उन लोगों को? प्रॉपर्टी के लिए। मैंने प्रिया से शादी करी थी पैसों के लिए, लेकिन वो खुद मेहनत करके कमाना चाहती थी। और उधर रीना और धीरज ससुर जी से पैसे ऐंठते रहते थे, वो मुझे कोई कुछ नहीं देता था। अच्छा, फिर क्या सर? मैंने सबको मारने का प्लान बनाया और पहले पिताजी से, ससुर जी से झूठ बोल के मैंने साइन ली, और फिर मैंने सबको मार दिया जिससे किसी को कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिले और मुझ पर शक भी ना। तुम्हारी गाड़ी में वो लाश किसकी थी? वो एक लवारिस लाश थी जिसके जबड़े में मैंने अपने दांत लगा दिए थे ताकि लोगों को लगे कि वो जली हुई लाश तुम्हारी है। हाँ सर, पर आप लोग पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में क्या क्या करते रहे तुम? खून पे खून किया पर मिला क्या है? जेल की काल कोठरी और फांसी का फंदा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.